गाइज यार आप लोगों का स्वागत है एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम लोग गाइज यार बहुत ही मस्त वाले लोकेशन पे जाने वाले हैं, यानी कि गाइज यार एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ के आपको हनुमान जी मिलेंगे, हनुमान जी की बहुत ही बड़ी मूर्ति मिलेगी वहाँ पे। जी हाँ गाइज यार सिंचन भी आ गया। अरे थैंक यू भैया, चलो यार। अब यार तू आ गया भाई साहब। चलो गाइज यार आज हम लोग बहुत ही बढ़िया वाला लोकेशन पे जाने वाले हैं, अगर आप वो देखोगे तो भाई आपका दिल खुश हो जाएगा, है ना सिंचन? अरे हाँ फ्रेंकी भैया, आपने कुछ और दिखाने को भी बोला है। अब हाँ यार, तेरे को मैं आज वाटरफॉल भी दिखाऊंगा। तो गाइस यार आज अपनी लैम्बोर्गिनी से जाने वाला है। ये देखो लैम्बोर्गिनी अभी नई नई मैंने खरीदी है, रेड कलर की, देख सकते हो। ये लैम्बोर्गिनी कितनी अच्छी लग रही है ना सिंचन? अरे फ्रेंकी भैया फरारी है, लैम्बोर्गिनी नहीं। अबे फरारी है, मेरे को भाई पता ही नहीं था, भाई तू ही खरीद के लाया था ना। अरे यार फ्रेंकी भैया फरारी है यार, क्या अभी। अबे गाइस यार ये देखो कितनी अच्छा वाला है भाई, देखो यार क्या मस्त लग रहा है ना सिंचन। अंदर का इंटीरियर वगैरह भी काफी ज्यादा स्पेशल है। तो गाइस यार ये वाला फरारी आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं, आज हम लोगों को हनुमान जी के दर्शन करने वाले हैं, क्योंकि वो हनुमान जी बहुत ही स्पेशल है। वहाँ पे आपको बंदर भी मिलेंगे, है ना सिंचन? अरे हाँ फ्रेंकी भैया, वो हनुमान जी पानी के अंदर से निकले थे ना। अबे हाँ यार, वो हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति पानी के अंदर से निकली थी। तो चलो यार चलते हैं और जाके आगे देखते हैं, है ना सिंचन? अरे हाँ फ्रेंकी भैया, चलो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा यार। अबे हाँ यार काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस वाले वीडियो में। तब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को गाइस दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी सेट कर देना है ना सिंचन? अरे हाँ फ्रेंकी भैया, काफी सारे लोग वीडियो देख के और सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे ही चले जाते हैं। अबे हाँ यार, काफी सारे लोग वीडियो नहीं देखते और ऐसे ही चले जाते हैं। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं। एंड सिंचन अभी बहुत सारी चीजें खरीदनी है। अरे हाँ फ्रेंकी भैया, बंदरों के लिए केले लेने हैं। अबे हाँ यार, सामने की दुकान से हम लोग फ्रूट ले लेते हैं, वहाँ पे काफी सारे बंदर रहते हैं गाइस, तो उनको भाई खिलाने के लिए कुछ ले जाना पड़ेगा। जो लोग भी भाई वो उस मंदिर के पास जाते हैं, यानी कि भाई हनुमान जी की मूर्ति के पास जाते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। तो चलो यार मैं इससे बात करता हूँ कि भाई केले कैसे दे रहा है। हेलो भाई यार, केले का क्या प्राइस है यार? मेरे को 5 दर्जन केले चाहिए। अरे यार 5 दर्जन चाहिए, चलो तुमको 20 रुपया दर्जन लगा के दे दूंगा। अबे यार बहुत ही सस्ता दे रहा है सिंचन। अरे यार फ्रेंकी भैया ले लो। तो गाइस यार हम लोगों ने 5 दर्जन केले लिए तो 100 रुपये में सारे के सारे केले आ गए। तो चलो यार सिंचन। अरे फ्रेंकी भैया चलो, मैं तो सारे बंदरों को खिलाऊंगा। अबे यार बंदरों से बच के रहा है ना, वरना भाई तेरे को नोच वोच देंगे, इतना छोटा बच्चा है तू। अरे फ्रेंकी भैया कुछ नहीं होगा, चलो वाटरफॉल पहले दिखाओगे ना? अबे हाँ यार, पहले गाइस यार हम लोगों को वाटरफॉल देखना है, उसके बाद ही गाइस यार आज काफी सारे चीजें करनी है ना सिंचन? अरे हाँ फ्रेंकी भैया, पहले हम लोगों को वाटरफॉल देखना है, उसके बाद और भी सारी चीजें करनी है, जैसे कि अबे भाई वैसे कि वही हम लोगों को जाना है हनुमान मंदिर। तो चलो गाइस यार फटाफट से उस वाले लोकेशन पे पहुंचते हैं। और ये देखो गाइस यार फाइनली हम लोग उस वाले लोकेशन पे आ गए हैं। गाइस देखो यार यहाँ पे हो रहा है वाटरफॉल, देख रहा है सिंचन? अरे हाँ फ्रेंकी भैया, दूर से ही दिखता है ये तो। अबे वही तो गाइस यार, ये देखो सामने की ओर चलते हैं और देखो हिरन वगैरह भी यहाँ पे पानी पीने वगैरह आते रहते हैं। और भाई साहब देखो कितना मस्त वाला व्यू नजर आ रहा है, मेरे को भाई बहुत ही ज्यादा स्पेशल लगा। तो चलो यार सिंचन ऊपर आ जा। अरे फ्रेंकी भैया ज्यादा ऊपर कहाँ? अबे यार यहाँ से देखने में जो मजा आएगा ना, वो नीचे से देखने में नहीं आएगा। यहाँ से देखो यार कितना मस्त पानी गिर रहा है, और सिंचन देखो उतनी देर से घूम के आ रहा है। और गाइस देखो यार कितना मस्त वाटरफॉल है, मेरे को भाई बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ये वाला वाटरफॉल। आपको कैसा लगता है आप कमेंट में जरूर बताना, है ना सिंचन? अरे फ्रेंकी भैया ऊपर कहाँ जा रहे हो यार? अबे यार मैं सोच रहा हूँ ऊपर से जाके देखूँ आखिर ये पानी आता किधर से है। अरे फ्रेंकी भैया बड़े से नदी से आता है और क्या। अबे नदी से आता है, मेरे को नहीं पता था। तो चलो यार जाके देखते हैं कि नदी कहाँ पे। ओ गाइस यार ये देखो गाइस कितना मस्त वाला व्यू यहाँ से मिलता है, इतनी छोटी छोटी पानी आ रही है मिलके, मतलब कि इतने छोटे से में आ रही है और भाई नीचे जा रही है, तो एकदम भाई पूरा का पूरा ज्यादा हो जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई एक साथ बहुत सारे पानी आ रहा है। ये देखो गाइस कितना मस्त लग रहा है यहाँ से, मैं सोच रहा हूँ इधर से कूद जाऊं। अरे नहीं फ्रेंकी भैया। अबे ये क्या हो रहा है भाई साहब, मैं इस पानी के अंदर आ गया। ओ भाई अबे ये कहाँ पे आ गया सिंचन? अरे फ्रेंकी भैया आप तो नीचे नहीं गिरे। अबे गाइस यार ये सीक्रेट लोकेशन है एक भाई, इस वाले झरने के पीछे एक सीक्रेट लोकेशन है भाई सा। ओ भाई मैं कूद गया नीचे। और ये देखो गाइस यार क्या मस्त, यहाँ पे ज्यादा पानी भी नहीं है, और ये देखो कितना कम पानी है नीचे, और ऊपर काफी ज्यादा पानी था। यहाँ से हम तैर के भी निकल सकते हैं, चल के भी निकल सकते हैं, लेकिन गाइस यार ये वाले झरने के पीछे सीक्रेट लोकेशन है। जब भी आप यहाँ पे आओ तो ये वाला लोकेशन एक बार चेकआउट जरूर करना। अरे हाँ फ्रेंकी भैया पुलिस वाले पकड़ेंगे तो इस बार से हम लोग इधर ही छुप जाएंगे। अबे हाँ यार मस्त वाला प्लान है गाइस यार, यहाँ पे लोकेशन रिवील कर दिया है मैंने, तो इस वाले लोकेशन पे विजिट जरूर करना। चलो फिलहाल हम लोग चलते हैं, और यहाँ पे देखो यहाँ पे इस नाम लिखा भी है, तो यहाँ पे जरूर आना, है ना सिंचन? अरे हाँ फ्रेंकी भैया चलो यार। अबे हाँ यार
चलते हैं गाइज, और चलो फटाफट से पहले बैठ जा सिंचन। इस वाले लोकेशन के बारे में आप जरूर बताना, क्योंकि भाई ये बहुत ही तगड़ा वाला लोकेशन था और इस वाले लोकेशन में एक सीक्रेट लोकेशन है। तो गाइज यार इसी बात पे लाइक तो बनता है। फिलहाल गाइज यार हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे सिंचन? अरे फेंकी भी हनुमान जी से मिलने। अबे हनुमान जी की मूर्ति को देखने, हनुमान जी से मिलने नहीं। तो चलो यार जिन लोगों ने अभी तक हम लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि गाइज यार अगर आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेते हो तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके बात वगैरह कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो के लिए सजेशन दे सकते हो, है ना सिंचन? अरे हाँ फ्रेंकी भैया। अबे ये वाली गड्डी क्यों ऐसे चल रही है? अरे फ्रेंकी भैया क्या हो गया? अबे थोड़ा अजब आवाज आ रहा है। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। अबे ये क्या हो गया? देख भाई बंद हो गई। अरे फ्रेंकी भैया जल्दी आगे बढ़ाओ। अबे ये क्या हो गया? अबे सिंचन ये तो आगे नहीं बढ़ रहा है। अरे फ्रेंकी भैया क्या मजाक कर रहे हो यार, अपना लैम्बोर्गिनी क्या हो गई अपनी? अबे लैम्बोर्गिनी है, फरारी है, तूने ही बोला था। और भाई साहब ये आके भाई पटरियों के बीच में फंस गई है। ओ भाई साहब सिंचन क्या करे? अरे फ्रेंकी भैया जल्दी हटा वरना कुछ हो जाएगा। अबे भाई, अबे तेरी सिंचन सामने से ट्रेन आ रहा है। अरे फ्रेंकी भैया अब क्या किया जाए? अबे भाई साहब इसको क्या करूँ यार, ये बीच में फंस गई है। गाय जा सिंचन हट जा वरना तू भी मर जाएगा यार, अपनी नई नई फरारी आई थी। और गाइस ओ भाई साहब, ओ तेरी ये क्या हो गया? चलो गाइस यार हम लोगों ने इसका भाई साहब कुछ कराया होगा तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। अरे हाँ फ्रेंकी भैया यार कुछ तो कुछ पैसे मिलने चाहिए ना। अबे यार कुछ पैसे नहीं मिलेंगे भाई साहब, यार ये क्या हो गया? गाइस यार नई वाली फरारी का सत्यानाश हो गया भाई, ये पता नहीं कैसी फरारी थी, जाके भाई पेट्रोल टंकी पे रुक गई। अरे फ्रेंकी भैया पेट्रोल टंकी नहीं, अबे यार वो भी रेल की पटरी पे रुक गई, मैं भी कुछ भी बोलते रहता हूँ। तो गाइस यार पूरी तरह से अपने लैम्बोर्गिनी या मतलब फरारी खराब हो चुकी है। सिंचन यार अब कैसे जाएंगे हनुमान जी के पास? अरे फ्रेंकी भैया दूसरी गड्डी से लिफ्ट ले लो। अबे हाँ यार लिफ्ट लेना बनता है। गाइस यार ये तो गड्डी फिर से रिपेयर होके आ जाएगी, क्योंकि गाइस यार अभी ज्यादा दिन हुए नहीं है तो भाई साहब वो सर्विसिंग कराने जाएंगे तो पूरी की पूरी मस्त हो जाएगी। तो चलो यार फटाफट से ऊपर चलते हैं। एंड गाइस यार काफी सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलते रहती है। यहाँ पे ये वाली कार मेरे को पसंद नहीं है, जो कार मेरे को पसंद आएगी गाइस यार वही वाली कार रोकेंगे और यहाँ से निकलेंगे, है ना सिंचन? अरे थैंक यू भैया ये तो बढ़िया है। नहीं नहीं ये वाली बढ़िया नहीं है भाई साहब, कोई रुकते ये वाली बढ़िया है भाई, ये वाली कार अच्छी लग रही है, आजा। अरे फ्रेंकी भी आप आ गया हो ना? अबे यार इनको बाहर निकलना पड़ेगा, निकलो नुबड़ो, हम लोगों को जाना है बहुत ही स्पेशल वाले जगह पे और तुम लोग यहाँ पे आ जाते हो। अबे सिंचन आजा। अरे हाँ फ्रेंकी भी रोको रोको। अबे रोक दिया। चलो यार सिंचन को मैंने बैठा लिया है, अभी गाइस यार हम लोगों को डायरेक्ट जाना है हनुमान जी के मंदिर को देखने, मतलब कि हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति है। वहाँ पे काफ़ी सारे बंदर भी आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे चीज़ें भी देखने को मिलते रहती है। तो चलो यार फटाफट से उस वाले लोकेशन पे पहले पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ कि भाई वहाँ पे क्या क्या होता है। अरे हाँ फ्रेंकी भैया बहुत ही मजा आएगा। अबे यार मैं सोच रहा हूँ हम लोग गलत लोकेशन पे आ रहे हैं, पहले भाई इस वाले तालाब में देख लेते हैं, बड़ा सा ये तालाब टाइप का है, इसी में भाई साहब बोला जाता है कि वो मंदिर या मूर्ति है बड़ी सी, मेरे को तो कहीं नहीं दिख रहा यार। ओ भाई साहब गाइस यार फाइनली मेरे को दिख गया, ये देखो गाइस मैं आपको स्कोप से दिखा रहा हूँ, ये देखो ये हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति है जो कि भाई पानी के अंदर से निकली थी। तो भाई ये बहुत ही बड़ी वाली बात है ना सिंचन? अरे हाँ फ्रेंकी भैया यार चलो कहाँ से जाना है रास्ता? अबे थोड़ा आगे से इसका रास्ता है, तो चलो यार थोड़ा आगे घूम के जाते हैं एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि गाइस यार वहाँ पे क्या हो रहा है। चलो यार फटाफट से चलते हैं। इसी बात पे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को गाइस दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी सेट कर देना, है ना सिंचन? अरे हाँ फ्रेंकी भैया सारे के सारे लोग कर देना यार, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। तो अबे हाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं। एंड यहाँ पे देखो डॉगी है सिंचन। अरे फ्रेंकी भैया आराम से चलाना यार, चौक की तरह है हमारा। अबे हाँ यार चौक का भैया, तो भाई चौप का दोस्ती होगा ये। तो चलो यार आगे से यहाँ से मेरे को राइट लेना है और ये राइट लेके गाइस जाना है वहाँ पे, है ना सिंचन? अरे हाँ फ्रेंकी भैया थोड़ा जल्दी करो। अबे जल्दी क्या करना है भाई, आराम से इधर ही 2 घंटे उधर रहेंगे उसके बाद निकल जाएंगे। अरे हाँ फ्रेंकी भैया चलो मजा आएगा काफी सारा। अबे हाँ यार काफी सारा मजा आने वाला है। तो गाइस यार यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, सामने की ओर जाना है और सामने से देखना है कि गाइस यार कहाँ पे हम लोगों के हनुमान जी की मूर्ति है। ओ देखो गाइस यार सामने ही दिख रहा है। अरे फ्रेंकी भैया आ रहा हूँ मैं भी। अबे तेरे को मैंने रोका थोड़ी है, तू भी पीछे पीछे आ जाता। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं। एंड गाइस यार यहाँ पे देखो यार यहाँ पे बोट वगैरह मिल जाता है जाने का, तो देख लेते हैं कि बोट है या नहीं। भाई यहाँ पे तो बोट लगा रहता है बट यहाँ पे बोट है नहीं। अरे फ्रेंकी भैया पीछे लगा हुआ है एक। अब मैं हाँ यार लगता है वहाँ पे कोई बोट लेके चला गया होगा, एक बाहर पीछे लगा हुआ है। तो चलो यार उस वाले बोट से चलते हैं, है ना सिंचन? अरे हाँ फ्रेंकी भैया आराम से चलो यार। अब गाइस यार अभी मैं नीचे गिरने से बचा, ये मैंने छलांग लगाया और गाइस यार ये मैंने बोट पे चढ़ा। आजा सिंचन तू भी। अरे हाँ फ्रेंकी भैया मैंने भी छलांग लगा लिया है यार। अब हाँ यार तू
भी छलांग लगा लिया, चौप रहता है तो और भी मजा आता है ना सिंचन, वो उसको तो उसको पानी से डर लगता है ना। अरे फेंकी भैया वो तो आता ही नहीं यार। अबे हाँ यार वो भी सही बात है, वो तो आता ही नहीं। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। और वो देखो गाइस यार सामने की ओर हमारे हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है ना सिंचन। अरे यहाँ फ्रेंक भैया मेरे को भी दिख रही है यार, आपको नहीं दिख रही क्या? अबे भाई सबको दिख रही है, ये देखो गाइस यार कुछ बंदर भी यहाँ पे। ओ भाई काफी सारे बंदर है सिंचन। अरे फ्रेंकी भैया रोको यार मजा आएगा, चलो इसके ऊपर चलते हैं। अबे ऊपर तो जाएंगे भाई, बंदरों को तो देखो यार, बंदर कुछ करेंगे तो नहीं, इतने सारे है भाई, मतलब ब्लैक वाले बंदर है सिंचन। अरे हाँ फ्रेंकी भैया यार कुछ तो करेंगे नहीं ना? अबे नहीं यार कुछ करने वाले नहीं है, मेरे को तो लगता है काफी सारे लोग बोलते हैं ये कुछ करते नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ देखते रहते हैं और इनको भाई फल वल खिलाना पड़ता है। तो चलो यार हम लोग चलते हैं। और गाइस ये देखो बड़ी सी पहाड़ों के बीच में ये वाली मूर्ति बनी हुई है, तो चलो यार हम लोग इसके ऊपर चलते हैं। एंड गाइस यार ऊपर जाके देखते हैं। आजा सिंचन। अरे फ्रेंकी भैया आया आया। अबे हाँ यार तू भी आजा। तो गाइस यार ये देखो इतने बड़े हमारे हनुमान जी है, और ये देखो बंदरों को किसी ने केले वेले दिए तो सिंचन भी लेके आया है, तो सिंचन भी सारे बंदरों को देगा है ना सिंचन। आजा यार तू नीचे क्या कर रहा है। गाइस यार यहाँ पे देखो इतने सारे बंदर है भाई, देखो एक बंदर यहाँ पे सोया भी है यार भाई हनुमान जी के पैरों के नीचे, और यहाँ पे दो बंदर पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, इतने सारे बंदर हम लोगों ने देखे एक साथ, वो भी एक टापू पे। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ से कभी नहीं जाते, रात में भी इधर ही रहते हैं और ये भाई दिन में भी इधर ही रहते हैं, तो खास बात ये रहती है। तो चलो मैं आपको भाई साहब ड्रोन एंगल से दिखा देता हूँ कि ड्रोन एंगल से भाई ये इसका व्यू कैसा नज़र आता है। ये मैंने ड्रोन अपना उड़ा लिया है गाइस, और ये देखो गाइस कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पानी वानी भी बहुत ही मस्त है, और इतने बड़े पानी के बीच में है गाइस। ये देखो यहाँ पे कितने सारे बंदर भी नज़र आ रहे हैं पूरे फ्रेम में। और भाई साहब आपको दिखाता हूँ, ये देखो कितना बड़ा नदी है, तालाब है, नदी ही है क्योंकि भाई इतना बड़ा तालाब तो होता नहीं है ज़्यादा, और भाई बहुत ही लंबा चौड़ा ये नदी है। तो इसी के अंदर से भाई ये हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति निकली थी ऑटोमेटिक, मतलब अपने खुद से खुद, तो इसलिए गाइस यार वहीं पर उसको स्थापित कर दिया गया है। तो चलो यार हम लोगों ने देखा आज यहाँ पर इनको, और भाई ये देखो गधा कितना बड़ा है, मैं ऊपर भी नहीं पहुंच पा रहा हूँ, और पैर देखो, और ये बंदा देखो, अबे भाई ये तो उठ गया गाइस, मैंने उसको उठा दिया। तो चलो यार ये हनुमान जी की मूर्ति आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना, ये गधा इतना बड़ा है तो भाई क्या ही कर सकते हैं। अभी रिटर्न भी जाना है, आप लोगों को मैंने ये वाला चीज़ दिखाया, आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो आप कमेंट में जरूर बताना। वीडियो आपको कैसा पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में।